अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज मैं ये बना रही हूँ मज़ेदार खीर, बहुत ही मज़े की है। ये देखिए, 1 लीटर हमने मिल्क लिया है, फुल फैट मिल्क, और 4 टेबल स्पून मैंने राइस लिए। सोक कर लिया है मैंने इसको, 3-4 घंटे कर लें तो बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, जैसे दूध में बॉयल होना शुरू आना शुरू हो गया तो मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दिए। और ये आधा टी स्पून जो है मैंने दालचीनी, वो सॉरी इलायची पाउडर डाला है इसके अंदर। देखिए, इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि चावल फिर पकने शुरू हो जाएंगे। देखिए, चावल में बॉईल आना शुरू हो गया, चावल हमारे पकने शुरू हो गए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है खीर की, लाज़मी ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से चावल बॉईल होने शुरू हो गए, दूध बॉईल होना शुरू हो गया, तो 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें मिक्स नट्स जो हैं क्रश करके वो ऐड कर दिए। बस अखरोट और किशमिश ऐड नहीं करी क्योंकि किशमिश दूध के साथ पक के फिर वो खीर का फ्लेवर ही अलग हो जाएगा। तो इसके अलावा जो नट्स अवेलेबल हों आपके पास वो इसमें ऐड करें। और ये 1 टेबल स्पून मैंने कोकोनट पाउडर ऐड करा है, क्रश्ड कोकोनट, जो पिसावा खोपरा मिलता है आमतौर पर, वो मैंने यूज़ करा है इसके अंदर, इजीली मिल जाता है वो भी। इसकी भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब ये दूध के साथ पक जाएगा। लेकिन दो पकना शुरू हो गया है और कलर भी देखें चेंज होना शुरू हो गया, चावल भी देखें हमारे कुक हो गए हैं। और मैंने ये पूरा फुल चावल लिया था, सोख हुआ वो ओनली, बॉयल नहीं था। अब इस टाइम पे मैंने फ्लेम ऑफ करके, और जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक बीटर मैंने यूज़ करा है, इलेक्ट्रिक घोटा कह लें इसको। अच्छा, अब ये देखें, ये दानेदार खीर बनी है। ये अभी भी मैंने इसको बिल्कुल ऐसा ब्लेंड नहीं करा कि बिल्कुल चावल पिस जाए, जो दाना हल्का सा इसके अंदर है वो अच्छा ही लगता है। अब ये 7 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है। लेकिन दूध का कलर कितना अच्छा चेंज हुआ है पक पक कर। इसमें मैंने कोई खोया ऐड नहीं करा है, कोई चीज़ ऐड नहीं करी। ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से ये पकना शुरू हो गया, जो हमने शुगर ऐड करी है वो भी। चावल गलाने और घोटने के बाद फिर मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है। किनारे पे से हटाते जाएं, मैं एक हाथ से पकड़ी हुई होती हूँ मोबाइल, तो इसलिए थोड़ा मेरी खीर साइडों से लग गई, वरना अगर फोकस सिर्फ एक तरफ होता है तो फिर ऐसा भी नहीं होता। लेकिन नीचे तो खैर बिल्कुल नहीं लगी, उसकी भी मैं आपको एक टिप दूंगी बहुत ज़बरदस्त। और ये बड़े रिलैक्स होके मैं बना रही थी ये मुस्तकिल, मुझे इसमें चमचा चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने और काम भी निपटा रही थी और इसको भी देख रही थी। अच्छी तरीके से बन गई है अब ये खीर। अब इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क ऐड करा और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया मैंने पूरी खीर के अंदर। अब ये देखें, डिश आउट करा है मैंने। अब इसको गार्निश करेंगे जो नट्स आपके पास अवेलेबल हों। सब अच्छी तरीके से इसको गार्निश करें जैसा आपको अच्छा लगता है। ये देखिए, पैन बिल्कुल साफ़ है, बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने डाल के बॉईल करा और उसको फेंक दिया, और फिर उसके अंदर मैंने दूध डाला तो ज़रा सी भी खीर फिर नीचे नहीं लगती। ये बादाम मैंने छिलका उतार के और जर्दे के रंग में डिप करके रखे थे, तो इसका कलर इतना अच्छा हो गया। अच्छे लगे रेसिपी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।